गदर वन के कंपैरिजन में गदर टू ज्यादा अच्छी थी या दोनों इक्वल मानी? नहीं, दोनों अपने टाइम में बेस्ट थी और इस टाइम में ये बहुत अच्छी मूवी है। ढाई किलो का हाथ तक काट दिए, जब ये उठता है तो आदमी उठ जाता है। एक ही बात है, उठ जाता है। जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हम लोग को ऐसा लगा, मान के चलो हम लोग वही है, वही उपस्थित होकर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था। बहुत भारत माता के जय श्री राम सारे नारे हो रहे थे क्योंकि मूवी है ही वैसी। ओ मित्रा, ओ यारा, यारी छोड़ के मत जाना। मैं निकला ओ दिले के रास्ते पे, सड़क पे एक मोड़ आया। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि 70 की टिकट 120 में ब्लैक मिडिल, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? गलत बात, पास में गलत बात है, लेकिन बाहर तो लोग खरीद रहे हैं। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रासोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। गदर 2 रिलीज हो चुकी है और सिनेमा घरों में लग चुकी है। यहाँ दर्शकों की भीड़ हर एक थिएटर में देखी जाए तो इतनी ज्यादा है कि हर एक थिएटर में ये पिक्चर हाउसफुल चल रही है। सुबह से घंटों खड़े होने के बावजूद भी लोगों को टिकट नहीं मिल पा रही है और यहाँ पर आने वाले लोगों का यह भी आरोप है कि जो टिकट है वो वाइट में तो नहीं मिल रही है लेकिन ब्लैक में ज्यादा रेट में उन्हें मिल जा रही है। वसंत टॉकीज जो है भिलाई में, वहाँ पर आए कुछ लोगों का ये कहना है कि जब वो वहाँ टिकट लेने गए तो उन्हें व्हाइट में टिकट जो जिस रेट में मिलनी चाहिए उसमें नहीं मिली लेकिन ब्लैक में अधिक रेट में उन्हें टिकट मिल जा रही है। आइए ऐसे ही कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? वहाँ पर टिकट तो मिल रहा है, उसका एक्चुअल रेट क्या है? 70 रुपए। और मिल कितने तो रही है? 120। किसने बताया कि ब्लैक में? मैं खुद खरीद के आया और उसी उसके बाद मैं इंस्टा के लिए आया। सिर्फ यही पता करने के लिए जो आदमी बिल्कुल इंतजार कर रहा है वो लोग का पागल है, बाईपास करने आया है। टिकट जब आप ब्लैक में उपलब्ध करा सकते हो तो आप तो पूरी तरह से भाई यही मांग है। आप क्या बोला गया? आप हमें तो आपको क्या बोला गया? बोला 120 रुपये मिले लो टिकट, खरीदा 10 टिकट ईमानदारी। उसके बाद काउंटर में लाइन लगे आदमी, यहाँ लेडीज भी, बच्चे भी, सोचिए वहाँ कंडीशन क्या होगा। तो आपने 120 में 10 टिकट खरीदी? 120 में 10 टिकट खरीदा मैं वसंत टॉकीज में, उसके बाद रिटर्न भी किया कि अपना टिकट रख काउंटर खोल, 70 रुपये में जो भी गया उसको दे, बोलता है कि 9 बजे तक हाउसफुल है। मतलब 120 में टिकट खरीद लिया आपने, उसके बाद वापस कर दिया, आपको पता चला कि ये ब्लैक में टिकट है। जी, तो यही कहानी हो सकता है, हर जगह हो रहा है। यहाँ जब आप चंद्रा बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या बताया? अभी तो यहाँ पर हाल चाल छोड़ी है, 5 मिनट पता भी चल जाएगा। होता रहा ना मैडम, वो राजनीति क्या हर चीज में यही चलता रहा है। तो जब आपको पता है कि ब्लैक में मुझे फिर भी क्यों लिया, इतनी ज्यादा पसंद आ गया आए तो आपको यहाँ पर क्या बोले की 70 की 120? वो गेट के बाहर दिए। अच्छा, गेट के बाहर दिए, मतलब टिकट काउंटर से नहीं दिए। और भी बाकी जगह पता किए कि ब्लैक में मिल रहा है कि क्या मिल रहा है, रेट वगैरह? नहीं, बस वहीं से ले लिए। यहाँ भी पता किए तो बोल रहे थे बुक है करके, हाउसफुल है और गोल्डन में दिए नीचे का 120। अच्छा, तो पहले आपको हाउसफुल बताया गया? पहले हाउसफुल बताया गया, फिर बोले कि एक रात का टिकट है नाइट का 9 बजे का, तो हम लोग सोचे कि नाइट में क्या आएंगे इसलिए अभी का ले लिए, ब्लैक में 120 का दिया गोल्डन नीचे। अच्छा, पहले बोल दिए कि हाउसफुल है, बाद में ब्लैक में दे दिए टिकट। तो आप कितने बजे का शो देखने जाएंगे? 3 बजे का शो देखेंगे। कितने देर तक खड़े रहे, कितने देर तक ये लोग घुमाते रहे कि हाउसफुल है? नहीं घुमाए, नहीं तो नहीं, बस बोल दिए 3 बजे का टिकट है तो अपन वहाँ बैठे।
अच्छा मतलब बता दिए थे कि ब्लैक नहीं मिलेगा। हाँ बोले नहीं बस इतने का बोले 120 का टिकट है लेना तो लो। सबसे सबसे जो सीन है पूरी दुनिया में से एक चीज की बात कर रही है कि जब वो नल के पास जाता है, पर मेरे को उससे भी ज्यादा जो इम्पैक्टफुल लगा वो उस समय का सीन है जब वो अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए जाता है और जब वो उस डॉन के उसमें गुंडा बना है हमीर अंसारी जो बना है उसके लड़के उसकी मुंडी जो मुड़ रही है वो वाला सीन सबसे खतरनाक है। उसके लिए तो पब्लिक पागल हो जाएगी, उसको देखो बड़े गौर से आप। और कोई मजेदार डायलॉग बताइए इसकी पिक्चर में मजेदार डायलॉग कौन सा है भाई? अपने को तो एक मजेदार डायलॉग कौन सा है भाई? अपने को तो एक ही लगा कि भीख मांगेगा पाकिस्तान। इतना हल्ला होता है अंदर आवाज ही नहीं आती है। मैं तो बोलूंगा भाई जरूर जाओ, जो बंदा नहीं देखा है वो देखने देखने जरूर जाओ। जिसने नहीं देखी फिल्म वो समझ लो कि वो बहुत कुछ छोड़ेगा। बहुत कुछ आदमी देश का जिसने गदर फिल्म को थिएटर में नहीं देखा। आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त में आज देशभक्ति हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय होने वाला है। हमको ऐसी नहीं किसी फिल्म में भी मसाला है या फिर स्टोरी, इस फिल्म ने हमको बहुत कुछ इसमें ये दिखाया कि चारों धर्म जितने भी धर्म है मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं। जज्बा है हिंद की इसमें बात बताइए ना कि कौन सा एक हिंद था। हाँ बस वो एक मैं तो मैं निकला गड्डी लेके एक आध कोई लाइन हो जाए क्योंकि देखो सनी देओल के साथ फैन बिल्कुल बिल्कुल लाइन हो जाए और एकदम मस्त मेरे साथ सारे सारे गाएंगे मैं निकला ओ गड्डी लेके रास्ते पे सड़क पे एक मोड़ आ वापस मैं दिल छोड़ आ। देखिए आप लोगों ने पिक्चर नहीं नहीं अब देखने जा रहे हैं। कितने बजे का शो देखने हैं? 3 बजे का। 3 बजे का कितने की टिकट मिली आप लोगों को? 110। एक्चुअल रेट क्या है उसका जानते हैं? 70 रुपए हो गया है मेरे का। बालकनी नहीं है, बालकनी 100 रुपए। ब्लैक में टिकट मिल रहा है तरीके से, तो ब्लैक की बात ही ऑनलाइन बुक की है। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि ब्लैक में नहीं बिल्कुल नहीं है। 10 रुपए देने में क्या ऐतराज है? जी 10 रुपए देने में क्या ऐतराज है? 15 अगस्त का दिन है और हमें 70 रुपए दिए। 10 रुपए क्या मतलब अंदर उत्साह है क्या? वही देखे जी 2.5 किलो किलो कहाँ तक काट दिए? तो 1 किलो आगे तो कंप्लीट करिए। जब ये उठता है तो आदमी उठ जाता है। एक ही बात है, उठ जाता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ पर टिकट बेच रहे हैं, जो टिकट यहाँ पर जो बिक रही है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं इस विषय पर, उनका क्या कहना है। जी यार टिकट कैसी चल रही पिक्चर पर है तो ये बताइए। हाउसफुल चल रही है जी। आगे और कितने टिकट बेच चुके हैं अब तक आप? 3 बजे का फूल है, 6 बजे का चालू है। अच्छा 6 बजे में मतलब अभी टिकट आप बेच रहे हैं 6 बजे की? कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि 70 के टिकट 120 में ब्लैक मिल रही है, बारे में क्या कहना चाहिए? गलत बात है, गलत बात है। लेकिन बाहर तो लोग खरीद रहे हैं, खरीद रहे होंगे उनको, तो कहाँ से खरीद रहे हैं? हम लोग दे रहे होंगे तभी तो खरीद रहे होंगे। 6 बजे की टिकट बेच रहे हैं। और जो ये 120 में टिकट ले जा रहे हैं वो कहाँ? 100 वाली भी, 110 वाली टिकट पा रही है। उनका कहना है कि 70 की टिकट 120 में मिल रही है? नहीं ऐसा नहीं है। तो आखिर वो लोग आएंगे टिकट यहाँ की मिली तो यही तो पिक्चर देखेंगे? ये 6 बजे की मैं चालू किया हूँ, 3 बजे की टिकट हो गई 6 बजे की। चंद्रा मौर्य टॉकीज का एक शो अभी जस्ट छूटा है और यहाँ पर निकल रहे कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कैसी लगी पिक्चर। कैसी लगी पिक्चर? मूवी बहुत अच्छी है, बहुत इंस्पायरिंग है, मोटिवेटिंग है। आज के यूथ के हिसाब से जितने लोग बिगाड़ते जा रहे हैं वो एज अ
इतना पार्टीशन के बाद से इतना फायरिंग होता है, वॉर्स वगैरह होते हैं, बट मूवी बहुत अच्छी है, बहुत इंस्पायरिंग है। गदर वन के हिसाब से अगर देखा जाए तो गदर टू ज्यादा अच्छी लगी या गदर वन? दोनों ही वैसे अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। कोई ऐसा सीन जो उसमें आपको लगा हो कि अरे मैं देशभक्ति जन गई, उठ के मैं एकदम चिल्लाऊ भारत माता की जय? जब मूवी का लास्ट एंडिंग था तो मूवी में जब फाइटिंग हो रही थी तब था। क्या सीन था, मतलब कैसा लगा उस वक्त आपको? वो ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे वो फाइट नहीं कर रहे, मैं फाइट कर रही हूँ, ऐसा वाला मोमेंट था, क्योंकि बहुत अच्छा था और एज अ सोल में जा रहा था, वो सिर्फ माइंड में नहीं जा रहा था। और हूटिंग वगैरह हो रही थी कि नहीं, नारे वारे भारत बहुत, बहुत भारत माता के जय श्री राम सारे नारे हो रहे थे, क्योंकि मूवी है ही वैसी बहुत अच्छी है। गदर वन में सनी देओल है, इसमें कुछ नए स्टार्स को भी लिया गया है। हीरोइन जो है वो बहुत अच्छी है, एक्टिंग उनकी बहुत अच्छी है, वो बहुत प्रीटी भी लग रही थी एज अ को एक्टर, बहुत अच्छी लग रही थी। गाना कौन सा अच्छा लगा आपको, एक आध कोई लाइन अगर आप गुनगुना दे तो? सॉरी कोई सा भी, कोई भी आपको जो अच्छा लगा हो, कोई लव सॉन्ग ही अगर हो तो? नहीं, वो जो उड़ जा काले कामा है वो अभी भी बहुत अच्छी है, उतना वो नहीं है, मेरे गले अच्छी नहीं है, सॉरी। कैसी लगी पिक्चर, क्या सबसे बेस्ट पार्ट लगा पिक्चर का? सबसे बेस्ट पार्ट उसका फाइटिंग सीन है, जैसे कि इसमें पता है कि हमको इंडिया और भारत, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो फाइट है वो हमको देखने को मिलती है, और जो हैंडपम्प उखाड़ने वाला जो सीन है उसके लिए तो वैसे ही फेमस है ना, तो इसमें भी कई उखाड़ने वाला सीन है और पीटने वाला भी सीन भी बहुत जबरदस्त है, और खासकर लास्ट का जो सीन है उस पर रोंगटे खड़े कर देने वाला। रोंगटे खड़े कर देने वाला, तो क्या फिर हूटिंग वूटिंग हुई, कैसा लगा उस टाइम पे आपको, क्या लगा? एकदम हम लोग को ऐसा लगा मान के चलो हम लोग वही है, वही उपस्थित होकर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था। मतलब आप लोग खुद वहाँ पर, ऐसा लग रहा था? हाँ ऐसा लग रहा था। और कोई ऐसा डायलॉग जो सुन के एकदम मजा आ गया कि भाई ये तो बेस्ट बोल दिया? डायलॉग तो नहीं कह सकता, लेकिन वो जो पुराने गाने थे ना उसको सुनकर पिछले पार्ट की याद आ गई, ऐसा लगा कि वापस से एक बार उसको देखें। और जो देख रहे हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि पहले आप पिछले पार्ट को देखिए, उसके बाद देखिए तो मजा और थोड़ा ज्यादा आएगा। अच्छा, गदर वन भी आपने देखी होगी, तो गदर टू, दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा लगा और क्या एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी हुई है? मेरे को पहला पार्ट ज्यादा अच्छा लगा और मुझे लगता है कि इसे और थोड़ा अच्छा बनाया जा सकता है। अच्छा, सनी देओल का क्या लगा, जैसे कि अब इतने साल बाद उन्होंने फिर से एंट्री मारी है पिक्चर में, कैसा लगा सनी देओल का? तो उनका एज तो थोड़ा बढ़ गया है, वो दिख रहा है मूवी में, लेकिन फिर भी अच्छा था। और कोई गाना वाना जो आपको बहुत अच्छा लगा, एक आध उसके अगर आप लाइन गा दे तो मजा आ जाएगा? गाना तो मुझे नहीं आता, तो एक आध लाइन फिर भी सनी देओल के नाम पे अगर आप कहने तो, एक आध लाइन तो होनी चाहिए, ऐसे ही गुनगुना दीजिए। ओ मित्रा ओ यारा यारी छोड़ के मत जाना। लोग ज्यादा देखने आ रहे, क्या लगता है आपको देशभक्ति वाले, कैसी फीलिंग आई आपको देखने? हाँ, देशभक्ति पिक्चर है, पेट्रियोटिक है, देख सकते हो आप। गदर वन आपने देखी है? हाँ। गदर वन के कंपैरिजन में गदर टू ज्यादा अच्छी थी या दोनों इक्वल मानेंगे? नहीं, दोनों अपने टाइम में बेस्ट थी और इस टाइम में ये बहुत अच्छी मूवी है। गाने कैसे लगे, क्या उसको नए तरीके से बनाया गया है या वही गाने फिर से चलाए गए? नए गाने हैं, बट वही पुराना का ट्विस्ट भी है, नए भी है और पुराने का ट्विस्ट है थोड़ा। अच्छा। जहां एक और गदर टू जो पिक्चर लगी हुई है उसे देखने के लिए दर्शकों की भीड़ देखते ही बन रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ दर्शकों की यह भी शिकायत है कि ये जो पिक्चर की टिकट है वह ब्लैक में बेची जा रही है। 70 रुपए की टिकट को 120 रुपए में बेचा जा रहा है, 100 रुपए की टिकट को 140 रुपए में बेचा जा रहा है, ऐसी बहुत सी शिकायत लोगों से जाने को मिल रही है। तो हमने कुछ लोगों से बात की, उनका यह भी कहना है कि टिकट काउंटर से न लेकर उन्हें टिकट गेट के पास से दी जा रही है। वही कुछ दूसरी ओर देखा जाए तो दर्शकों को पिक्चर काफी पसंद भी आ रही है, गाने जो है लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए हैं और ऑल ओवर रिव्यू जो है इस पिक्चर का काफी अच्छा था। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप देखते रहिए तीरंदाज़।